यूपी फतेह पर निकले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कासगंज में किया भाजपा की जीत का दावा, बोले इस बार भाजपा 300 पार। आज इस रैली के जाकर ये सारे मीडिया के मित्र हैं, उनके सामने कहने आया हो कि इस बार भाजपा 300 पार। गृह मंत्री ने अखिलेश और मायावती पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में बुआ बबुआ की सरकारों ने सभी का विकास नहीं किया, ये जातिवादी पार्टियां और परिवारवादी पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ में कहा, पहले यूपी में दंगे होते थे, आज विकास हो रहा है। पहले लोगों का पलायन होता था, अब गुंडों का पलायन हुआ। 2014 में मैं जहां पर भी जाता था एक ही बात आती थी, इस सपा के गुंडे परेशान कर रहे हैं। 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत माता की जयकारे से संबोधन किया शुरू, कहा ब्रज क्षेत्र भाजपा का गढ़ था, है और रहेगा। बोलिए भारत माता की, ये ब्रज क्षेत्र भाजपा का गढ़ था, है और रहेगा। अमित शाह बोले, बाबा विश्वनाथ का दरबार सालों से सूना पड़ा था, लेकिन अब काशी विश्वनाथ का दरबार मोदी जी ने सजाया है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, काशी विश्वनाथ का दरबार मोदी जी ने ऐसे सजाया है जिससे इतने सालों के विश्वास का परिमार्जन होगा। मित्रों, आज मां गंगा से जल लेकर बाबा पर अभिषेक करना है तो बीच में कुछ नहीं आता है। कासगंज में भाजपा की जनविश्वास रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर अमित शाह ने जताया आभार, सभी लोगों को किया प्रणाम। और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित, जहां पर भी नजर जाती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे वज क्षेत्र के मेरे सभी भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, चुनाव में हार के डर से कोरोना का हवा खड़ा कर रही भाजपा, यूपी में अब सभी 403 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, किसी पार्टी से यूपी में नहीं होगा गठबंधन।